बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। कीबोर्ड से एल प्रेस करेंगे एलिप्स टूल के लिए, शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ड्रा करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और इसके मिड में प्लेस कर देंगे। इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। देन इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाकर हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देंगे। एलिप्स टूल लेंगे और इसके मिड से एक सर्कल ड्रा करेंगे। इन सब सर्कल्स को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके इनको आपस में मर्ज कर देंगे। इनके एजेस सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो सब रिमूव हो जाएंगी। शेप ऑलमोस्ट हमारी रेडी है, अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। स्वेचेस में हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चूज़ करते हैं। जाएंगे देन ग्रेडियंट में, इस कलर को पिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी बनाएंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। जब भी ग्रेडियंट कलर बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है उसका कलर लाइट रखते हैं और जो राइट साइड होती है उसका कलर डार्क रखते हैं। तो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड जो है उसको डबल क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। इसी तरह राइट साइड को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। टूल बार में ग्रेडियंट टूल पिक करेंगे और बॉटम से टॉप की तरफ कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रैग कर देंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल से इसमें कलर फिल कर देंगे। ग्रेडियंट टूल लेंगे और बॉटम से टॉप की तरफ ड्रैग कर देंगे। सिलेक्शन टूल से दोबारा इस एज को सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल से इसमें कलर फिल कर देंगे। देन ग्रेडियंट टूल से बॉटम टू टॉप की तरफ इसको ड्रैग कर देंगे।
कलर तो हमारे फिल हो गए हैं, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम मज़ीद इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके एक कॉपी बनाएंगे और कंट्रोल एफ से इसी के फ्रंट पे पेस्ट कर देंगे। देन हम जाएंगे दोबारा से ग्रेडियंट में, जो हमारा लाइट कलर है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी यहाँ 100 शो हो रही है, इसको ज़ीरो कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और देन जाएंगे ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और ब्लेंडिंग मोड में, ब्लेंडिंग मोड को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी बनाएंगे और कंट्रोल एफ से उसी के फ्रंट पे पेस्ट कर देंगे। दोबारा से जाएंगे ग्रेडियंट में, इसका लाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, इसकी ओपेसिटी ज़ीरो कर देंगे। देन ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ब्लेंडिंग मोड और इसमें से मल्टीप्लाई, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी बनाएंगे और कंट्रोल एफ से इसी के फ्रंट पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास इधर ये टूल्स शो नहीं हो रहे तो आप इधर जाएंगे विंडो में, विंडो में जाकर इधर इसको नीचे करते जाएं तो इधर से आप जो भी टूल हासिल करना चाहें मिल सकता है, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंसी है, इसी में इस तरह के दूसरे भी टूल्स हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से बनाएंगे कॉपी और कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे। देन ग्रेडियंट में जाएंगे, लाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी इसकी ज़ीरो कर देंगे। देन ट्रांसपेरेंसी, ब्लेंडिंग मोड और मल्टीप्लाई, अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो स्ट्रोक है उसको नन कर देंगे। तो सर्कल हमारा रेडी हो गया, अब इसके बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल लगाएंगे। इसको अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। टाइप टूल में जाकर इसके नीचे कुछ लिख देते हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी का इधर से टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं आप। ऑलमोस्ट ये ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।